आप क्लोजअप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सख्त ईंट हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ और हो, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये ईंट हैं और लाइव आपको दिखाने जा रहे हैं, कुछ भी कट नहीं होगा जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इसकी जो क्वालिटी है मशीन की कितनी अच्छी है जी। चलिए सर आप कॉन्फिडेंट हैं तो करके देखते हैं। बिल्कुल सर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ आपको इसके साथ, अभी मैं आपके चैनल पे ये जो ईंटें हैं वो पीस के दिखाता हूँ जी। आप देखिए सर लाइव दिखा रहे हैं आपको कि कैसे इससे ईंटें पीसते हैं, ये आप देखिए। अगर आप सोचिए ये ईंटें मशीन पीस सकती है तो आपके मसाले तो काफ़ी इजीली पीस सकते हैं। सर आपके आगे बिल्कुल लाइव देख रहे हैं हम, वीडियो में कोई कट भी नहीं करेंगे जिससे आपको कुछ ऐसा लगे कि हमने कुछ एडिट करके इसमें आपको दिखाया है। आप लाइव देखिए सर इसमें ईंटें जो हैं वो डाल रहे हैं, आपके आगे जो है वो हो रहा है, ये आप देखिए पूरा भर भर की ईंटें इसमें डाली जा रही हैं, कितनी सारी ईंटें एक बार में डाल दी गई हैं, ये आप देखिए पूरी ईंटें इसमें डाल दी गई हैं, ये आप देखिए। ये बेसिकली आपको दिखाया जा रहा है कि मशीन की क्वालिटी कितना अच्छा है, ये क्वालिटी टेस्ट हो रहा है कि मशीन कितनी इजीली जो ईंटें हैं वो पीस रही है। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा वो वीडियो में कोई कट न लें, वो लाइव दिखाएं चाहे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। ये आप देखिए बिल्कुल कैमरामैन ने कोई कट नहीं लिया, वो आप लाइव देखिए कि इनसे क्या आउटपुट आया है। मैंने आपके सामने ईंटें इसमें डाली थी जी सर, बिल्कुल आपके सामने, कोई इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वीडियो एडिटेड है या कुछ है जी, आपके सामने जो ईंटों का ये हाल किया है ये आप देखिए देख सकते हैं। ये आप देखिए ईंटों का बुरादा बन चुका है, पूरा रेत तैयार हो चुका है। आप ये खुद इसको टच करके देखिए सर, बिल्कुल जैसे होली में हम गुलाल यूज करते हैं सेम वो इसका टेक्सचर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनीष। फिलहाल हम आए हुए हैं पंजाब, पंजाब में है एक जगह शहर कोटकपूरा, वहाँ से हम ये सारी मशीनें आपको दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं राइस मिल, मसाला मिल और ग्राइंडर, यानी एक ही वीडियो में आपकी ए टू जेड जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होने वाली है। कंपनी के ओनर से हम आपकी आगे मुलाकात कराएंगे, वो इन मशीनों के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, छिब्बर एग्री इक्विपमेंट। ये बहुत सारे टाइप की मशीनों में डील करते हैं, जैसा आपने पिछले हमारे वीडियो देखे होंगे हम लगातार यहाँ से जो नई नई मशीनें हैं आपको दिखा रहे हैं, तो इन मशीनों के बारे में सर पूरा विस्तार से बताएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये मशीन लगा के आप अपना जो बिजनेस है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप कंपनी के ओनर मेरे पास देख पा रहे होंगे, वो कंपनी के बारे में और इन प्रोडक्ट के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। तो सर नमस्कार सर जी। सर आप अपना नाम और कंपनी का नाम बताइए सर। सर मेरा नाम है राहुल छिब्बर, मैं और मेरे छोटे भाई साहब पादुल जी मिलके हम अपनी कंपनी चलाते हैं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे जी, जो कि पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है। ओके तो सर आज इस वीडियो में हम किस प्रोडक्ट के बारे में या किस मशीन को कवर करने वाले हैं? सर आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में एक ऐसा प्रोडक्ट आपके चैनल के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में जी, अगर हम घरों की बात करें या कोई रेस्टोरेंट की बात करें, कहीं पे भी कुछ खाने पीने की बात करें जी, तो एक अनाज या मसाला एक ऐसी बेसिक नेसेसिटी है जी, जो हर घर में जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक ऐसी मशीन, एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप एक बहुत कम लागत में आप अपने लिए एक चक्की का काम ले सकते हैं। मैं एक ऐसी मशीन आज आपके चैनल पर लॉन्च करूंगा जो एक ही मशीन के साथ आप कई किस्म के काम कर सकते हैं। जैसे सर क्या क्या हो सकता है उस मशीन में? सर अगर आप जैसे आज मैं आपके चैनल पे ग्राइंडर के बारे में बताऊंगा जी, जो एक ही मशीन से आप हर किस्म के अनाज की पिसाई ले सकते हो जी, धान हो गया, मक्की हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार है, किसी भी किस्म का आटा आपने पीसना है वो पीस सकते हो। ओके। मसाले आपने पीसने हैं, हल्दी, लाल मिर्च होगी, धनिया हो गया जी, जो भी आपने मसाले बनाने हैं वो बना सकते हो। प्लस अगर आपका डेयरी फार्मिंग का काम है या मार्केट में रिक्वायरमेंट निकलती है दलिये की या दाने की, तो आप एक ही मशीन से जाली बदल के दलिया भी बना सकते हो।
आपको बताना चाहूँगा कंपनी के नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, एड्रेस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप कोई भी क्वेरी आ रही है सीधे कंपनी को फ़ोन कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा मसाला उद्योग वैसे ही देश में काफ़ी अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेस है और इन मशीनों के द्वारा आप वो बिज़नेस काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। अब हम वन बाई वन सारी मशीनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आगे इन सभी मशीनों का हम आपको डेमो भी दिखाएंगे कि इनसे कैसे प्रोडक्शन होता है। तो सर पहले बेसिक से शुरू करते हैं, पहली मशीन से शुरू करते हैं। सर सबसे पहले हमारे पास मॉडल आ जाता है जी, जो ये आप देख सकते हैं, इसको मिनी पल्वराइजर कम ग्राइंडर कहा जाता है। ओके, जो ये मॉडल है जी, इसमें हमने मोटर लगाई गई है 2.5 HP की, सिंगल फेज कॉपर वाइंडिंग मोटर लगी हुई है जी। ये आपका ग्राइंडिंग का काम करेगा, आप इसको आटा चक्की भी कह सकते हैं, फ्लोर मिल भी कह सकते हैं, मसाला मिल भी कह सकते हैं। ये एक ही मशीन से आप कई किस्म के काम कर सकते हैं। ये जो मशीन की खासियत है, नॉर्मली आपने चक्कियां देखी होंगी जी, जो स्टोन्स वाली चक्कियां होती हैं जी, जिन जिसमें अनाज की पत्थरों के बीच में पिसाई होती है राइट, और अनाज जब आता है बहुत ही गर्म होकर आटा निकलता है, जिससे उसके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसके अंदर जो हमने लगाया है, इसको पल्वराइजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी आटे का पत्थर नहीं होता है। इसके अंदर ये जो डिस्क चलती है, ये जो ब्लेड्स आप देख सकते हैं, इनके द्वारा जो आटा है वो पीसा जाता है। बिल्कुल जी, जो भी अनाज या मसाला आपने डालना है बिल्कुल ये क्रश करके उसको बिल्कुल बारीक पाउडर में बना के तैयार करके ये माल निकाल लेगा। बिल्कुल, आपको अकेला ये जो जाली है अंदर, वो जाली बदलनी है। अगर आपने आटा पिसाई का काम लेना है, मसाला है, दलिया है, तो जाली आपने बदलनी है और ये काम ले लेना है। और जो आपका आटा होता है वो ठंडा निकल के आता है, और मैं आपको जाली भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल आप जाली चेंज करेंगे और आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। तो सर बात करते हैं, ये कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है? सर ये जो मॉडल है ये कमर्शियल मॉडल है, आप इसको अगर चाहे तो डोमेस्टिक भी यूज कर सकते हैं जी। जो इसकी आउटपुट है, जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जी, आटे की अगर हम बात करें तो एक घंटे का 50 से लेके 60 किलो आटा निकलता है इसमें जी। अगर हम दलिया की बात करें तो 70 से लेके 100 किलो तक इसमें आप दलिया या दाना बना सकते हैं। मसाले की आउटपुट भी 60 से लेके 70 किलो इसमें मसाले की भी पिसाई हो जाती है। ओके, और सर बात करें वारंटी की, तो वारंटी क्या है सर इसके साथ? सर वारंटी हम 1 साल की देते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट देंगे आपको 1 साल की वारंटी देंगे। मैं ये मशीन के साथ आपको 3 किस्म की जालियां, एक आटे वाली, एक मसाले वाली और एक दलिये वाली, ये 3 किस्म की जालियां मैं आपको मशीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री साथ में ही मिलेंगी आपको। ओके, ये बिल्कुल आपको फ्री मिलने जा रही हैं। और सर मोटर की बात करें, सर इसमें जो मोटर है उसका हम बताइए, ये घरेलू बिजली पर चलेगी कैसे चलेगी? बिल्कुल जी, जो ये मोटर है 2.5 HP की सिंगल फेज कॉपर वाइंडिंग में मोटर है, जो आपका डोमेस्टिक कनेक्शन है, जो घरेलू बिजली है उसी पे आपकी ये मोटर चलेगी। ओके, अब हम सभी मशीन के प्राइस साथ साथ बताते चल रहे हैं, जिससे आप कंफ्यूजन न हो कि किस मशीन के क्या प्राइस हैं। तो सर अब इसके मशीन के प्राइस बताइए। सर ये जो मशीन है जी, इस मशीन की कीमत हमने रखी है 24,000 रुपया। ओके, 24,000 में इंक्लूडिंग GST और ट्रांसपोर्टेशन आपके घर तक हम पहुंच देंगे। ये 3 जाली का सेट तो हम आपको साथ में देंगे ही देंगे। आज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी किसान भाई मुझे आपका चैनल की स्क्रीनशॉट भेजेगा, मैं अपनी तरफ से ये 3 जालियों का सेट, जो कि 2000 जिसकी कीमत है, इसमें एक आटे वाली जाली आ जाएगी, एक मसाले वाली आ जाएगी और एक दलिये वाली जाली आ जाएगी। बिल्कुल, ये 3 जालियों का सेट कॉम्प्लीमेंट्री में मशीन के साथ 24,000 में ही आपको दूंगा। बस आपको करना क्या है, आपको जो वीडियो देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट सर को दिखाना है और आपको सीधे 2,000 रुपये का फायदा होने जा रहा है। सर ने इस मशीन के बारे में पूरा विस्तार से बताया, अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा राइस मिल के बारे में बताइए और फिर जो भी क्वेरी होगी वो हम साथ में लेते हुए चलेंगे, बताएं सर। इसके बाद ये पल्वराइजर के बाद अब मैं आपको हमारा जो मॉडल आता है मिनी राइस मिल का, उसके बारे में बताता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है मिनी राइस मिल, बताएं सर। बिल्कुल जी, ये जो मॉडल है ये मिनी राइस मिल है जी। इसमें हम आपको मोटर के साथ देंगे। अगर किसान भाई, कई बार हमें किसान भाइयों की रिक्वायरमेंट आती थी कि हमें मोटर के साथ नहीं इंजन के साथ चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं हमने जो राइस मिल जो नया मॉडल लॉन्च किया है वो विद इंजन भी हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें हमने 7 HP का पेट्रोल इंजन लगाया है। ओके, सर बात करें इस राइस मिल की, तो इसके साथ वारंटी क्या होती है सर? सर वारंटी मेरी वही 12 महीने या 1 साल की हम वारंटी देंगे इसके साथ भी आपको।
आपको बताना चाहूँगा, आपने राइस मिल देखी होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा बल्क में इन्वेस्टमेंट होता है, 7 से 10 लाख रुपए तक उसमें कम से कम लग जाते हैं। ये एक ऐसी मशीन है कि काफ़ी कम प्राइस में, हम प्राइस भी आगे आपके आगे डिस्क्लोज करेंगे कि इतने कम प्राइस में आप राइस मिल अपने घर पर लगा सकते हैं। अगर सर पेट्रोल वाला हम ये लेते हैं या बिजली वाला लेते हैं तो उसके प्राइस में डिफरेंस है? बिल्कुल सर, उसके लिए हमने एक बहुत नॉमिनल डिफरेंस रखा है। चाहे कस्टमर मोटर के साथ, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ लेना चाहे वो भी ले सकता है, इंजन के साथ लेना चाहे वो भी ले सकता है। कई बार कोई किसान भाई हमें रिक्वायरमेंट करते हैं कि उनके पास घर पे मोटर या इंजन पड़ा होता है कि हमारे पास इंजन या मोटर है, तो हम ये कोई भी हमारा प्रोडक्ट है विदाउट मोटर या विदाउट इंजन भी हम उसको दे देंगे। तो सर प्राइस क्या होगी उसके इसमें? सर ये जो मॉडल है, ये जो राइस मिल का मॉडल है, अगर किसान भाई ये मोटर के साथ लेते हैं तो सिंगल HP का, सिंगल फेज का कॉपर वाइंडिंग मोटर के साथ उसकी कीमत है 24,000 रुपया। ठीक है, 24,000 में हम विद मोटर आपको देंगे। अगर वही आप विद इंजन लेना चाहते हो जी, मोटर की जगह अगर आप पेट्रोल इंजन लेते हैं 7 HP का, तो मैं 3,000 रुपया डिफरेंस लेके 27,000 में आपको राइस मिल विद इंजन दे दूंगा। ये जो आपने प्राइस बताया विद ट्रांसपोर्ट विद GST है? विद ट्रांसपोर्टेशन विद GST। ओके, मतलब सर ने जो डिफरेंस था प्राइस का वो बता दिया। अब बात करते हैं सर इससे प्रोडक्शन कितना होगा, मतलब पर आवर की बात करें तो कितना प्रोडक्शन होगा? सर ये जो मिल है जी, ये राइस मिल का काम होता है कि आपने ऊपर से ये जो हॉपर है इसके अंदर धान डालना है जी। इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉब लगी हुई है, ये नॉब होती है कि आपने चावल कितना पॉलिश करना है। ठीक है, जितना पॉलिश करना है उस हिसाब से एडजस्ट किया। जब आप राइस मिल चलाएंगे जी, आपको एकदम खाने लायक बिल्कुल सफेद चावल बन के तैयार होकर बाहर निकलेगा। जो इसकी फक होती है वेस्टेज जी, वो आगे से बाहर आएगी। सर जैसे आपने ग्राइंडर के साथ ऑफर दिया, क्या इस राइस मिल के साथ भी आप कोई ऑफर देने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, आज मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से जो भी किसान भाई मुझे आपका स्क्रीनशॉट लेके भेजेगा, मैं आपके इस वीडियो के थ्रू ये जो राइस मिल की जाली है जिसकी कॉस्ट 1,000 रुपया ये जाली की कॉस्टिंग होती है, वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री साथ में राइस मिल में दूंगा। एक तो इसके बीच में लगी होगी, साथ में एक एडिशनल जाली उसी रेट में आपको दूंगा। अगर आप मोटर के साथ लेते हो तो 24,000 की, इंजन के साथ लेते हो तो 27,000 की। यानी आप समझ सकते हैं केवल एक स्क्रीनशॉट आपको लेना है, छोटा सा स्क्रीनशॉट है, 2 या 3 सेकंड का आपका वर्क है केवल, और आपको 1,000 रुपये का सीधा सा फायदा होने जा रहा है। मैं आप सर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अगली जो कंबाइंड मिले सर उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल जी, ये राइस मिल के बाद मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ जो हमारी कंबाइंड मिल है जी। किसान भाई अगर हमसे अलग अलग मशीन लेते हैं, आप कंबाइन मिल का प्रोसेस समझिए, अगर आप मिनी पल्वराइजर लेते हो 24,000 का, 24,000 की राइस मिल ली तो टोटल आपको 48,000 रुपया लगाना पड़ता जी, बिल्कुल है। और अगर आप यही कंबाइन मिल ले लेते हो जी, तो ये आपको जो मेरा मॉडल है कंबाइन मिल का जी, ये पल्वराइजर का काम भी करेगा और राइस मिल का काम भी करेगा। इसकी जो कीमत है विद मोटर उसकी कीमत है 35,000 रुपया। ये 35,000 में आपको दोनों मशीनों का कॉम्बो मिल जाएगा। कॉम्बो मिल जाएगा, यानी आपका जो पैसा है काफी हद तक बच जाएगा। और जैसे नाम समझ सकते हैं कंबाइंड मिल से मतलब है इसमें आप दोनों का काम ले सकते हैं जी। और सर बात करें ये कमर्शियल यूज के लिए है? बिल्कुल जी, ये भी कमर्शियल यूज के लिए है। पहले मैं आपको जो अगला मॉडल है कंबाइंड मिल का जी, उसके बाद में एक फीचर उसका दिखाना चाहता हूँ आपको। अच्छा सर, आप अगली जो कंबाइंड मशीन उसका नाम बताइए। सर ये जो कंबाइन मशीन है जी, ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी इंजन पे लगी हुई भी दिखाई और ये मोटर वाली भी दिखाई। इसमें मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ मेन जो पॉइंट है वो ये, आगे आप देख सकते हैं ये जो इसका वाइब्रेटर है, चावल में हल्की सी ब्रेकेज भी निकलती है, ये जब चलती है तो ये वाइब्रेटर का काम करती है जो ये जल्ली है। ओके, तो उसमें आपकी ब्रेकेज अलग हो जाती है और साबुत चावल अलग हो जाता है। यानी साबुत चावल अलग हो जाएगा और जो टूटा हुआ चावल होता है वो अलग हो जाएगा। ये आपका ग्रेडिंग का काम करती है। अगर आप ये अटैचमेंट अलग से लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी। ये अटैचमेंट की कीमत है 5,000 रुपया। आप इसको सिंपल राइस मिल पे भी लगा सकते हो और कंबाइन के ऊपर भी लगा सकते हो, ये अलग से 5,000 की अटैचमेंट है। ओके सर, जो आपने दोनों मशीनें दिखाई, एक में आपका पेट्रोल वेरिएंट है यानी पेट्रोल वाला इंजन लगा हुआ है, एक में आपका बिजली वाली मोटर लगी हुई है, तो सर प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस डिफरेंट है इन दोनों के? सर अगर कंबाइन मशीन, जो कंबाइन मशीन है इलेक्ट्रिक मोटर में हम देते हैं 3 HP की सिंगल फेज की कॉपर वाइंडिंग मोटर के साथ जी, जो इसकी कीमत है वो है 35,000 रुपया इंक्लूडिंग GST एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर किसान भाई हमसे विदाउट मोटर लेना चाहता है या वो कहता है कि मुझे मोटर की जगह इंजन लगा हुआ चाहिए जी, तो 7 HP का पेट्रोल इंजन हम लगा के देते हैं। ठीक है, उसका हम आपसे 3,000 एडिशनल लेंगे, ये आपको 38,000 में मिलेगी। ठीक है सर, जहाँ तक पेट्रोल इंजन की बात है सर, इसका क्या कंजप्शन रहेगा, कितना पेट्रोल लेगा? सर जो पेट्रोल इंजन की कंजप्शन है 600 से लेकर 700 ml एक घंटे का, 7 HP का 212 cc का इसमें पेट्रोल इंजन हम लगाते हैं। ओके,
और सर बात करें बाकी मोटर्स की तरह इन मशीनों के भी 1 ईयर वारंटी है? बिल्कुल सर, सेम 1 ईयर वारंटी है। और जो कंबाइन मशीन है इस पे मैं जैसे आपको बताया ग्राइंडर के साथ जो जालियां साथ में आनी है वो तो आनी ही आनी है। अगर आप स्क्रीन शॉट लेते हो तो मैं आपको जो ग्राइंडर वाली 3 जालियां है प्लस एक राइस मिल की जाली वो चारों जालियों का सेट पीस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको दूंगा। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा इन मशीनों के डेमो करके दिखाएं और इन मशीनों में कौन कौन से मसाले और अनाज वो प्रोडक्शन करके दिखाएंगे वो सर बताएं। सर आज मैं आपको ये आप देख सकते हैं धनिया है, ये धनिया का आपको पीस के इसका पाउडर बना के दिखाऊंगा। ये आगे मक्की रखी हुई है, जो मक्की है इसका आपको आटा बना के दिखाऊंगा। साथ में हल्दी है, हल्दी आप देख सकते हैं कितनी हार्ड होती है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको बिल्कुल मसाले के तौर पे बिल्कुल बारीक पाउडर बना के दिखाऊंगा। और सर आपने जो ईंट है वो क्यों रखी हुई है? सर ये ईंट आपको दिखाऊंगा जो मैं हमारी कंबाइन मशीन है जी। उसकी आपको मैं स्ट्रेंथ टेस्ट दूंगा, उसका जो ताकत का टेस्ट है वो आपको दूंगा, कितनी पावरफुल मशीन है, कितने पावरफुल उसके ब्लेड्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा। उसी मशीन में ये जो ईंटे हैं इनको बारीक बिल्कुल पीस के इसका पाउडर बना के आपको दिखाऊंगा। यानी आप समझ सकते हैं अगर कोई मशीन हल्दी ही अच्छी तरह पीस देती है तो हम समझ सकते हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और इन मशीनों के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि अगर वो ये ईंटें भी पीसेंगे तब भी मशीन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मशीन आराम से इन ईंटों को पीस देगी। तो आप समझ सकते हैं इन मशीनों की क्वालिटी कितनी अच्छी है। सर आप बताएं आप पहले क्या ग्राइंड करने जा रहे हैं? सर ये मैं आपको जो धनिया होता है ये देखिए धनिया आपको मैं ग्राइंड करके दिखाता हूँ। ये जितना भी मसाला है उसमें काम आता है, डेली रूटीन में घरों में चलता है। ये आप देखिए सर ने इसमें धनिया डाल दिया है। ये आप देखिए देखिए मैंने अभी इसमें धनिया डाला था आपके सामने जी, और अभी मैं आपको ये जो धनिया है निकाल के दिखाता हूँ। ये आप देखिए आप देखेंगे कितना परफेक्ट धनिया इससे पिस चुका है। ये देखिए ये देखिए जो हम घरों में उपयोग में लेते हैं ये हमारा डेली रूटीन में काम आता है जो धनिया पाउडर है, ये एकदम बिल्कुल बारीक इसने पाउडर बना दिया है उसको। ये आप देखिए इस मशीन का यूज़ करके आप कई टाइप के जो मसाले हैं वो आप पीस सकते हैं। हमने अभी आपको धनिया पीस के दिखाया। सर अब इसके बाद हम क्या पीसने वाले हैं? इसके बाद मैं आपको जो मक्की है वो आपको करके दिखाता हूँ जी। अब मैं आपको ये देखिए मक्की है ये पीस के दिखाता हूँ। इसको आप अपने हिसाब से बिल्कुल बारीक या जानवरों के लिए दलिया बनाना है जाली एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से मोटा पतला इसको कह सकते हैं जी। सर देखिए ये देखिए ये हमने देखिए आप मक्की को पीस के दिखाया आपको। आपके सामने मैंने इसमें ये मक्की डाली थी जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ये देखिए जो मैंने ये मक्की इसमें डाली थी जी, ये आपके सामने इसमें मक्की का क्या हाल किया, एकदम बिल्कुल बारीक आटा बना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको पीस दिया है। ये आप देखिए
सर इसके बाद आप क्या पीसने वाले हैं सर? इसके बाद मैं आपको इसमें हल्दी जी, जो आपको पता है मसालों में सबसे सख्त और हार्ड होती बिल्कुल, है हल्दी, बिल्कुल जो जल्दी से नहीं पीस के दिखाता हूँ ठीक जी सर। ये देखिए जी, अब जो हल्दी की गांठें हैं मैं आपको ये पिसाई करके दिखाता हूँ। घर आके लें ये हमने इसमें अभी हल्दी डाली थी, अब हम आउटपुट देखते हैं कैसा निकला जी। ये देखिए जो हम रूटीन में घरों में यूज करते हैं मसाला जी, ये वो हल्दी एकदम बिल्कुल बारीक है इसने, बिल्कुल परफेक्ट हल्दी के से। हमने कितने बड़े बड़े हल्दी के कितने हार्ड टुकड़े डाले थे जी, इसने बिल्कुल बारीक पाउडर में उसको कन्वर्ट कर दिया। आप समझ सकते हैं हल्दी पीसना बिल्कुल आसान नहीं होता और कितनी परफेक्ट इस मशीन के द्वारा हल्दी पीसी है सर। अब जैसा आपने पहले बताया था, क्या आप इसमें सच में ईंट पीसने वाले हैं? बिल्कुल जी, मैं आपको भी आपके चैनल पे लाइव आपको दिखाऊंगा। तो सच में सर ये ईंट पीस पाएगी सर मशीन? अब मैं तो बिल्कुल आपके सामने, ये देखिए सर, ऐसा तो नहीं है सर मशीन ही डैमेज हो जाए सर? 100% कुछ भी नहीं होगा सर, मैं आपको यही सर इसका ये क्वालिटी टेस्ट है, मैं ये दिखाना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये सच में ईंट है। आपको लगे कि ऐसा कुछ है कि ये ईंट नहीं हो, आप क्लोजअप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सख्त ईंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ और हो, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये ईंट है और लाइव आपको दिखाने जा रहे हैं, कुछ भी कट नहीं होगा जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इसकी जो क्वालिटी है मशीन की कितनी अच्छी है जी। चलिए सर आप कॉन्फिडेंट हैं तो करके देखते हैं। बिल्कुल सर, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ आपको इसके साथ। अभी मैं आपके चैनल पे ये जो ईंटे हैं वो पीस के दिखाता हूँ जी। आप देखिए सर, लाइव दिखा रहे हैं आपको कि कैसे इससे ईंटें पीसते हैं, ये आप देखिए। अगर आप सोचिए ये ईंटें मशीन पीस सकती है तो आपके मसाले तो काफ़ी इजीली पीस सकते हैं। सर आपके आगे बिल्कुल लाइव देख रहे हैं हम, वीडियो में कोई कट भी नहीं करेंगे जिससे आपको कुछ ऐसा लगे कि हमने कुछ एडिट करके इसमें आपको दिखाया है। आप लाइव देखिए सर, इसमें ईंटें जो हैं वो डाल रहे हैं, आपके आगे जो है वो हो रहा है, ये आप देखिए पूरा भर भर की ईंटें इसमें डाली जा रही हैं, कितनी सारी ईंटें एक बार में डाल दी गई हैं, ये आप देखिए पूरी ईंटें इसमें डाल दी गई हैं, ये आप देखिए। ये बेसिकली आपको दिखाया जा रहा है कि मशीन की क्वालिटी कितना अच्छा है, ये क्वालिटी टेस्ट हो रहा है कि मशीन कितनी ईजीली जो ईंटें हैं वो पीस रही है। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा वो वीडियो में कोई कट न लें, वो लाइव दिखाएं, चाहे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। ये आप देखिए बिल्कुल कैमरामैन ने कोई कट नहीं लिया, आप लाइव देखिए कि इनसे क्या आउटपुट आया है। मैंने आपके सामने ईंटें इसमें डाली थी जी सर, बिल्कुल आपके सामने, कोई इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वीडियो एडिटेड है या कुछ है जी, आपके सामने जो ईंटों का ये हाल किया है ये आप देखिए देख सकते हैं।
ये आप देखिए ईंटों का बुरादा बन चुका है, पूरा रेत तैयार हो चुका है। आप ये खुद इसको टच करके देखिए सर, बिल्कुल जैसे होली में हम गुलाल यूज करते हैं सेम वो इसका टेक्सचर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी मैन्युफैक्चरर इतना कॉन्फिडेंट तब होता है जब वो मशीनों पर पूरा रिसर्च करता है, उसका काफ़ी लंबा अनुभव होता है मशीन के बारे में। आप देखिए सर ने कॉन्फिडेंस से कहा कि मशीन को कुछ भी नहीं होने वाला और उन्होंने लाइव करके दिखाया। सर तो मुझे मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी का 100% मैं श्योर हूँ। हमें जो कस्टमर्स ने फीडबैक दिए, मैं आज ये इंटो वाला टेस्ट अकेला अपनी जो मशीन की क्वालिटी मुझे पता है जी, उसी को दमदार दिखाने के लिए कि जो मैं इसमें मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ जी, चाहे इसकी जालियाँ हैं, एक एक चीज़ में बहुत हैवी ड्यूटी इसमें डाली है। आप ये देखिए इसने ईंटों का क्या हाल किया है। तो इससे बेहतर कुछ और दिखा नहीं सकते क्वालिटी चेक करके। अगर ये ईंटें पीस सकते हैं तो आपके मसाले कितने अच्छे से, ये आप समझिए कितना अच्छी तरह पीस सकते हैं। सर ने इन मशीनों के बारे में पूरे फीचर्स जो हैं पूरा डिटेल में बताए। अब बात करते हैं कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे कैसे मंगा सकता है, या कोई ऑफलाइन यानी खुद आके आना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस है सर, वो बताएं। सर अगर आप ऑफलाइन खुद मेरे पास हमारी फैक्ट्री विजिट करना चाहते हो तो पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, यहाँ पे आप बाय बस, बाय कार या बाय ट्रेन आ सकते हो। उसके अलावा अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो नीचे आपको स्क्रीन पे हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई साहब हैं पादुल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706, और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। मैं हिंदी में बोलता हूँ 9852519706 और 9842431007। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chibbaragri.com। आप हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे आइए या हमारी वेबसाइट पे आइए, आपकी कोई भी इंक्वायरी है। अनफॉर्चुनेटली कई बार अगर हम रात के समय आपकी कॉल पिक ना कर पाएँ तो आप हमें सिंपल एक मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे। घर बैठे अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, अगर आप ग्राइंडर या राइस मिल लेना चाहते हैं तो आपको 4,000 रुपया, कंबाइंड मिल के लिए आपको 5,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में डिपॉजिट करना है, और बाकी पेमेंट DOD के माध्यम से जब आपके लोकल एरिया में मशीन पहुंच जाएगी आप हमारे जो पेंडिंग अमाउंट है कंपनी के करंट अकाउंट में जमा करवाएंगे। हम यहां से मेल के माध्यम से आपकी जो DAD है कैंसिल करके प्रोडक्ट की डिलीवरी आपके घर तक करवा के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके दोस्तों, मैं आपको जल्दी से एक शॉर्ट क्लिप दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि जैसे ही आप कंपनी में कॉल करते हैं आपकी क्वेरी से लेके जो प्रोडक्ट डिलीवर होने तक प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। हेलो नमस्ते, मैं वीनू छिब्बर, छिब्बर एग्री इक्विपमेंट से। मेरा काम यहाँ पर, मेरा जो कॉल सेंटर है मैं उसको मैनेज करती हूँ। एक्चुअली जो हमारे पास जो कॉल्स आती हैं, जैसे यूट्यूब पे कोई भी इंक्वायरीज आती हैं, हमारे पास जो भी नंबर्स आती हैं वो राहुल सर और पारुल सर के फ़ोन पर आती है, जो नंबर मेंशन किए होते हैं यूट्यूब पे। तो जब वो कॉल्स हमारे पास अभी इकट्ठी होती हैं, उनकी लिस्ट बनती है, जो हमारा यहाँ पे कॉलिंग सेंटर जो चल रहा है, जो स्टाफ है, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है हम उसके अकॉर्डिंग हम उनको जानकारी देते हैं, जो कस्टमर की नीड होती है। उनके बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं हमारे जैसे कॉलिंग सेंटर की जो स्टाफ गर्ल्स हैं उनसे, तो उसके बाद जैसे भी उनको उनका अकाउंट का प्रोसेस होता है, उनको जो ये पैकेजिंग का प्रोसेस होता है वो उनको समझाया जाता है। जब हम उनको अकाउंट नंबर देते हैं उसके बाद जो वो अपना पेमेंट करवाते हैं, हमारा एक्चुअली एक सिस्टम होता है, जैसे आपने कोई मशीन परचेज किया उसका 10% हमारे जो कंपनी का करंट अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करवाना पड़ता है, क्यों, आपकी मशीन की बुकिंग के लिए। उसके बाद बाकी का जो पेमेंट रह जाता है जब मशीन आपके डिस्ट्रिक्ट में पहुँचती है वो आपको तब पे करना है, DACC का प्रोसेस होता है। विद इन वन डे हमारी कोशिश होती है कि हम उनको मशीन घर डिलीवर करवा दें। उसके बाद जैसे कि मतलब बताया जाता है डॉकेट नंबर होता है, हम उनको वो भी देते हैं, जो हमारा ट्रैकिंग स्टाफ है वो उनको डॉकेट नंबर प्रोवाइड करते हैं, सारी जानकारी उनको दी जाती है। और इवन आफ्टर किसी की कोई स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है उनको भी ध्यान से समझ के उनको वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों अभी हमने जो कंपनी का कॉल सेंटर दिखाया, अब हम आपको जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो दिखाने वाले हैं। जब भी आप कोई भी पेमेंट करेंगे यहां से वो कंफर्म हो जाएगा ये आपका कंपनी का अकाउंट डिपार्टमेंट है। हम आगे चलते हैं, ये आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। आप यहाँ देखिए यहाँ अलग अलग कुरियर कंपनी की जो स्लिप हैं वो रखी हुई हैं, यानी आपको पेमेंट होने के बाद जैसे ही आपका कुरियर यहाँ से निकलेगा आपको आपकी जो ट्रैकिंग आईडी है वो दे दी जाएगी, जिससे आप अपने कुरियर को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कुरियर कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट है वो हम आपको दिखा देते हैं, ये आपका सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है। जैसे आप इनकी वेबसाइट पर इंक्वायरी करते हैं, यूट्यूब पर इंक्वायरी करते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आप जो भी कमेंट के द्वारा क्वेरी पूछते हैं वो यहाँ से आपके पास कंपनी कॉल बैक कराती है। दोस्तों जब आप पेमेंट कर देते हैं और जो भी प्रोडक्ट आप चॉइस करते हैं वो कैसे पैक होता है वो सर बताएंगे।
सर बताइए। सर पेमेंट प्रोसेस होने के बाद जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट का डॉकर आ जाता है, ऑर्डर आने के बाद आपका एड्रेस हमारे पास आता है, तो ये हमारा पैकिंग स्टाफ है, आप ये देख सकते हैं पीछे पैकिंग हो रही है अलग अलग प्रोडक्ट की। जब जो प्रोडक्ट हमने देना है उसको प्रॉपर यहाँ से पहले चेक करने के बाद उसको बॉक्स के अंदर डाल के उसके बाद उसके ऊपर गनी पैक होगा, देन उसके ऊपर लेमिनेटेड होगा वो, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हर एक पार्टी का प्रॉपर इनवॉइस का कॉपी और एड्रेस यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अलग अलग कार्टून जो पैक हो रखे हैं। पैक होने के बाद यहाँ से ये जो आपका प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, ये कोरियर कंपनी में भेज दिया जाता है, उनकी गाड़ी हमारे पास आएगी, यहाँ से पिकअप करके ले जाता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर ने सभी ऑफर बताए कि स्क्रीनशॉट शेयर करिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है और मशीनें काफ़ी अच्छी हैं सबके, हमने आपको डेमो दिखाए। कोई भी क्वेरी आ रही है स्क्रीन पे कंपनी के फ़ोन नंबर है, आप कमेंट के द्वारा भी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।